तो बच्चों, इस वीडियो में जो आज पेपर हुआ था क्लास 8 का सब्जेक्ट हिंदी कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम का सेशन 2023-24 का, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देख लो कि आपने कितना राइट किया था, कितना रॉन्ग। ठीक है, ध्यान से देख लो सॉल्यूशन को। तो गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन और डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट में गद्यांश के अनुसार वर्षा किसकी सबसे प्रिय ऋतु थी? तो नीलकंठ और राधा की, ग ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार नीलकंठ और राधा की आवाज़ को क्या कहा गया है? तो के का। ठीक है, ग ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, ध्यान से देखो, दोहा था। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, काव्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? तो ग ऑप्शन राइट है, कठिन समय में साथ देने वाला। अगला सेकंड, काव्यांश के रचयिता कौन है? तो रहीम है। ठीक है, ये रहीम का दोहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरणिक प्रश्न था, जलेबी शब्द का बहुवचन? ख ऑप्शन जलेबियाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा, तो भोलापन, घ ऑप्शन राइट है। राजा का विलोम शब्द, थर्ड रंग हो जाएगा। सतरंगी परिधान में विशेषण के भेद की पहचान कीजिए, गुणवाचक विशेषण है, का ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गद्यांश था, तो गद्यांश को नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट, गद्यांश के अनुसार मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बूंद के लिए, खा ऑप्शन राइट है। सेकंड, गद्यांश के अनुसार बूंद किस कारण पानी बनकर समुद्र से में मिल गई? तो गा ऑप्शन, धारा की गर्मी सोखने के कारण। थर्ड क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार बूंद को पहले पहल क्या सहन नहीं हुआ? तो खा ऑप्शन, समुद्र का खारापन। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार समुद्र में किसके कारण चहल पहल रहती है? जीव जंतुओं के कारण, खा ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये भी काव्यांश था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और साथ में आंसर। 5 क्वेश्चन का फर्स्ट, काव्यांश के अनुसार श्री कृष्ण माँ से क्या पूछते हैं? तो चोटी कब बढ़ेगी? घ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार कई बार दूध पीने के बाद भी चोटी क्यों छोटी रह गई? यहाँ पर घ ऑप्शन राइट है, माखन रोटी ना मिलने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार कृष्ण अपनी चोटी की तुलना किसकी चोटी से कर रहे हैं? बलराम की चोटी से, खा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार दो भैया कौन है? तो कृष्ण बलराम, घ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, 6 साइकिल चलाना महिलाओं के लिए कैसी उपलब्धि है? तो हवाई जहाज उड़ाने जैसी, खा ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 2, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल के आंगन में भीड़ क्यों घुसी? तो ग ऑप्शन राइट है, अंग्रेज के चोट के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 का फर्स्ट, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता कौन है? जया जादवानी, का ऑप्शन राइट है। पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं? तो ग ऑप्शन, भगवान के। अगला क्वेश्चन व्याकरणिक प्रश्न था, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है? चुप रह जाना, ये आंसर लिखा है रेड से। सांकेतिक शब्द में मूल शब्द तथा प्रत्यय, मूल शब्द संकेत है, प्रत्यय है इक। ठीक है, अगला पहलवान शब्द का भाववाचक संज्ञा, पहलवानी। अगला, चांदनी रात आने वाली है, वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए, तो चांदनी था। ठीक है, रेड पेन से आंसर लिखे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, भगवान के डाकिए कविता के अनुसार एक महादेश दूसरे महादेश को क्या भेजता है? सुगंध। अगला, ये सबसे कठिन समय नहीं कविता के अनुसार तिनका कहाँ है? चिड़िया की चोंच में, इसका आंसर है। ठीक है, अगला, गोपियाँ कृष्ण की शिकायत किससे करती हैं? यशोदा से। अगला क्वेश्चन, कबीर किसका मोल करने की बात करते हैं? तलवार का मोल। ठीक है, रेड से आंसर लिखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 10, लाख की चूड़ियाँ पाठ में रज्जो ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया? आम, आंसर है। अगला क्वेश्चन, बस की यात्रा पाठ के अनुसार लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी? शाम को बस की यात्रा करना खतरनाक है, यही सलाह दी थी, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक ने स्वयं को क्या संदेश दिया? तो निराश होने की जरूरत नहीं, यही संदेश दिया था। ठीक है, अगला, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल ने अपने लिए किस बात को विपदा माना? तो 250 रुपये पत्नी को देने को, यही बात जो थी उसको विपदा माने थे। तो रेड पेन से 10 क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ठीक है, बाकी 30-40 वर्ड्स में आंसर थे, अपने अकॉर्डिंग बना के लिखे होगे, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टोटल इतना ही था।
मैंने डिस्कस कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।